अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज मौसम बहुत कमाल का हुआ है और दूसरा सरप्राइज आपको देते हैं जी, टाइसन आ गया है। टाइसन कल परसों आ गया था, आज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ऊपर मैंने इसको ओपन किया था और ये यमन के पास गया है और यम ने इसको खींच के एक टक्कर मारी है और ये साइड पे भागता वापस आ गया। इस पहले मुझे था कि कहीं ये लड़ ना जाए और अभी भी मुझे डर ही है कि कहीं ये यमन को कुछ कह ना दे। तो अब सीन सिनेरियो ये है, टाइसन को मुर्गियां नज़र आ गई हैं और आपको अंदर चल के दिखाते हैं। लो जी, फुल गंद डला है। टाइसन भोंकता है, ओए बहुत ऊंची आवाज है इसकी, ये बोलता है तो सारे डर के भाग गए थे पहले तो। अभी जो है चुप, अरे चुप चुप, जब मैंने ऊपर बांधा उस टाइम बोला जो ये तो ऐसे डर के अंदर भाग गए ना। मैं कह रहा था ना 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 आवाज ना ठा ठा, उसकी तरह ये बिल्कुल खामोश रहता है, ये नहीं शोर करता। नहीं तो कुछ बकरे अकेले बह बह जो जान ही करते हैं। ईद पे लाते होते थे ना बकरे, बहुत टाइम पहले ईद पे बकरे लाते होते थे तो वो इतना शोर करते थे ना क्योंकि अकेले होते थे, और ये शोर नहीं करता, बड़ा समझदार। तो ये जी सेटिंग अभी वहाँ की वहाँ ही है, तो कोई नई सेटिंग नहीं की, ठीक है। रैबिट्स की सेटिंग सिर्फ ऊपर मैंने ये लकड़ी के पड़े हुए थे ऊपर रख दिए थे, ठीक है। ओह ये किस तरह बैठा हुआ है इसकी, ये देखें वो टांग पीछे कर ले। तो बकरा हमेशा की तरह वहाँ पर होता है, ये हमेशा की तरह आवारा गद्दी कर रही होती हैं, रैबिट्स हमेशा की तरह इसी खाने में। ये जो उनसे बड़े तेज़ हैं, रोज़ बाहर आए होते हैं। अभी मैं सुबह आया हूँ तो दो यहाँ फिर रहे थे, एक वहाँ गुस्सा हुआ था। तो इनकी ये बड़ी गलत है कि मेरा दिल है ऊपर से कवर ही होना चाहिए, ये साइड पे थोड़ी सी जगह होनी चाहिए देखने के लिए, वो भी वहाँ बड़ा जाली लगा दे। अब मैंने यहाँ पर सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, लेकिन ये देखें यहाँ साइड से मैंने क्लोज कर दिया, ऊपर ये लकड़ी के खट्टे रहा। टाइसन ऊपर लकड़ी के बहुत बगैर था ये, इसको मैं ज़रा चुप करा लूँ, एक मिनट ज़रा मैं इसको चुप करा लूँ। तेरी तो ये इसके लिए ही है समझ लें, पड़े हुए थे मैंने कहा इसको डराने के काम आएंगे, लेकिन मैं अंदर जाऊंगा फिर ये बोलेगा, इसको ऐसे डराते हैं आवाज़ ना आए। खामोश, बिल्कुल चुप चुप, बिल्कुल चुप। अब तुमने बोला तुम्हारी मैं ज़ुबान काट दूंगा, ये देखें अब चुप है। मैं जूँ ही अंदर जाऊंगा फिर पीछे से बोलना शुरू करेगा, ये बहुत समझदार बच्चा है, ये मुझे शोर करता। अब ये देखें इनका दिल है बाहर आने का, वो इसको तो मेरा दिल है कि उसको दूसरे छत पर ही बांधें, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इसको यहाँ पर बांधा जाए, कि ये ना हो कि ये रैबिट्स को खा जाए या मुर्गियों को खा जाए या जुमन को चक मार दे या कुछ कर दे, तो वो फिर नया मसला बन जाएगा। एक भाई से रैबिट्स की बात हुई है, हो सकता है आज वो भी कार को भाई करवा दें, रैबिट्स की जगह भी यहाँ कहीं पर बनवाएंगे। और सॉरी सॉरी, डक्स की बात हुई है, डक्स जो सी हैं यहाँ पर रखेंगे, देखते हैं यार अब आएंगी तो सेटिंग करेंगे, ऐसे नहीं सेटिंग समझ में आती, जब रखेंगे फिर सोचेंगे किस तरह की सेटिंग करनी है, फिर सेटिंग बन जाएगी। इधर मिट्टी लेके आनी है, मिट्टी डालनी है, ठीक है। मुर्गियों की भी मेरा दिल है सेटिंग चेंज की, ठीक है, इस तरह तो ये मिशन फेल है। मेरा दिल है मुर्गियों को वो वाली साइड दे दी जाए, और यहाँ पर जो उनसे है ना एक दीवार के साथ या इस साइड पर या इस साइड पर अंदर खाने बना दिए जाएं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः इस तरह करके ना, जिनके अंदर मुर्गियाँ कह लेंगे एग्स भी दें, क्योंकि इन फ्यूचर अभी और भी लेके आते हैं मुर्गियाँ, मैं चाहता हूँ कि कहीं घर से मुर्गियाँ मिल जाए तो बेस्ट है। तो फिर यहाँ पर मुर्गियों की सेटिंग बन जाएगी, ऊपर से क्लोज कर देंगे, यहाँ से भी बंद कर देंगे, फिर डोर वगैरह एक छोटा सा रख लेंगे। वो रैबिट्स की तो मेरे ख्याल से बेहतरीन है जगह फ़िलहाल, क्योंकि वो छोटा सा खाना इनके लिए बहुत है। बाकी डक्स आज अगर अल्लाह करे आ जाए, अगर आ गई तो भाई फिर डक्स की यहाँ कहीं स्पेस बना देंगे। ये लगा हुआ है फाइबर, ये भी फाइबर सारे लगे हुए हैं, ये उतर जाते हैं गर्मियों में, उतार के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये जो उनसा है ये फर्क है, इसको यहाँ से उठा के कहीं साइड पर फेंक रहे हैं, और ये भी इंटें फालतू पड़ी हुई हैं, इनको भी उठा के फेंक रहे हैं, ये भी फालतू गंद पड़ा हुआ है,
मीन जितना छत पे फालतू है ना ये सारा उठवाना है। अब मैं चाहता हूँ कि सारे काम में एक ही दफ़ा किए जाएँ, कोई एक दो बंदे बुलाएँ ये भी उठवाएँ सारा कुछ सेट सुट करा के। तो टाइसन का केज नीचे पड़ा हुआ है, टाइसन का केज यहाँ पर रख दिया जाए अच्छी जगह, ये गंद वाला उठ जाएगा, यहाँ टाइसन की सेटिंग हो जाएगी। ह्यूमन यहाँ पर ही रखते हैं, ह्यूमन की यहाँ पर ग्रिलें लगवा देते हैं ठीक है, ताकि उसको बांध देना ओपन रहे अंदर ठीक है। और बाकी जो है मुर्गियाँ फिर फेर सकती हैं क्योंकि टाइसन केज के अंदर होगा, अभी तो भाई रस्सी से बंधा हुआ है, नया कट्टा खुल जाना। और मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि रैबिट्स की सेटिंग यहाँ भी बांध सकती है, ये भी जो सी अच्छी भली स्पेस है, तकरीबन 8 फुट के राउंड बोट है वहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है। कैमरे में पता ही कम लग रही होगी क्योंकि वाइड एंगल भी ऑन किया हुआ है, तो मेरा दिल है यहाँ से यहाँ अगर सेटिंग हो जाए तो बहुत कमाल की सेटिंग है। अस्सलाम वालेकुम अगेन, और शाम का टाइम है, टाइसन ने रोलर डाले हुए हैं, जब मैं बोलता हूँ तो वो भी भौंकना शुरू हो जाता है, ये बगैरत यहाँ बाहर आ जाता है। मैं दिन को 2 दफ़ा ऊपर आया हूँ और 2 दफ़ा ये यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ से निकल के इसका दिल करता है मैं उड़ ही हूँ यहाँ से निकल के, इसको पकड़ते हैं बाहर चला गया टाइसन ने इसको पकड़ लिया, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बांधा ही होता। वे वे। ये देखें भागने की कोशिश कर रहा है, किधर भाग के जाएगा, ना 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 बच्चे कोने पे हो जा, इसकी बड़ी स्पीड है, ये बहुत गंदा बच्चा है, ये भाग जाता है। बाकी देखते हैं पूरे काम है, अरे अपने खाने में रहा कर फिर टाइसन चुप कर जो, रात हो गई है, वेदर चेक करें, वो तारा भी एक निकला है, यमन का टाइम हो गया अंदर जाने का, इसको अंदर करते हैं यहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं, अभी मैं घर वापस आया हूँ। अच्छा ये माशाल्लाह बहुत समझदार है, अपनी टांग इस रस्सी में नहीं फंसने देता, वो अलग बात है टकरे मारता है, टांग रस्सी में नहीं फंसने देता, अभी इसकी रस्सी में थी टांग, इसने टांग उठा के निकाल ली है, ये मुझे इसकी बड़ी अच्छी बात लगती है। ये देखें टाइसन इसी तरह शरारती रहा, लेकिन ना ये ऊंचा ऊंचा भौंका ना कर, या फिर तेरे मुंह पे मैं वो रस्सी ना लगा दूँ, इसके ले जी टाइसन को खोल दिया, यमन को अंदर बंद कर दिया, और बाकी मुर्गियाँ रोज़ाना की तरह अंदर चिल कर रही हैं, और वो सारी नीचे छुपे हुए हैं, रैबिट भी अंदर छुपे हुए हैं मेरे, अब पता नहीं डक्स कब आएंगी, बाकी चीज़ें कब होंगी, हमारे से सब्र नहीं होता। बाकी टाइसन किधर, टाइसन इधर सिट 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 सिट, टाइसन बहुत अच्छा बच्चा, रात को कोई यकीन नहीं लगानी है कि दरवाज़ा खोल भी गया तो यकीन नहीं लगानी, वैसे मैंने पंडी छंडे लगा के ऊपर वो लॉक शॉक फिक्स कर दिया कि टाइसन जो है ना यकीन ना लगाए, अरे रुक जा रुक जा, फिर ना ये टाइसन है, गौर से देख लें, देखो मेरी उंगलियों के निशान, टाइसन इधर, ओके जी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कहना ये था लाइक सब्सक्राइब कर दें, वो रह गया खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।